लेंगे ऑन कैमरा नहीं सब जान जाएंगे तुम हम की। ए सुनो ना, मेरे बाल में तेल लगा देना यार। तुम उस दिन बोले थे मैं लगा दूंगा। नहीं भूलो मत, याद रखो तुम उस दिन बोले थे जब बाहर टहल रहे थे कि अच्छा आदमी लगाऊंगा, नींद आ रही कल लगा दूंगा। मैं तो नींद आ रही बहुत। नहीं तो अब भी झूठ बोल रहे, तुरंत नींद आने लगती तुमको। नहीं 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 तुमको लगाना है तेल। हेलो मीठी फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आजकल क्या होता है कि मैं शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ। दिन भर इतना काम हो जाता है कि मैं फ्री ही नहीं हो पाती हूँ घर के कामों से ही, तो मैं ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ। और मैं ऐसे कपड़े पहने रहती हूँ कि मुझे सच में ब्लॉग स्टार्ट करने की इच्छा भी नहीं होती। तभी मैं हाथ में ये ली हूँ पॉलीथीन, क्योंकि मुझे अपनी सैंडल मतलब अपनी जूती रखनी है। ये देखो, ये मेरी जूती देखो पड़ी हुई है। अभी मैं जूती रखूँगी इसी में, क्योंकि मैं छत पर आई थी, थोड़ा सा मुझे एक वीडियो शूट करना था इंस्टाग्राम के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने थे। काफ़ी दिन हो गए थे मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं डाली थी, कुछ न्यू पिक्स डालनी थी, तो बस वही सब कर रही थी। और इधर देखो कितना सारा गेहूँ, और इधर भी देख सकते हो आप। तो इतने सारे घर के काम होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं अकेले ये सब नहीं की हूँ, दादी भी की हैं साथ में मेरे, पर फिर भी यार काम तो पड़ ही जाता है ना। छत पे लाना फैलाना बहुत सारा काम होता है घर में करने के लिए। और जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं या जो देसी लोग हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं, जिनके घर में बेसन घर में बनता है और गेहूँ का आटा घर में बनता है। बहुत सारे लोग रेडीमेड आटा वगैरह खरीद लेते हैं। ये पन्नी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अभी मैं इसमें जूती भरूँगी क्योंकि हवा चलने लगी है। और मैं 3 बजे से छत पर आई हूँ और अभी ज़ोर से प्यास भी लगी है, पर ऊपर अभी कोई है नहीं, मतलब दादी या चाची नहीं है, इसलिए मैं प्यासी बैठी हूँ। मतलब वीडियो शूट कर रही थी रील्स के लिए। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी नैन्सी आकाश सोनी 9796। अगर आपने वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। तो ये देखो गेहूं से मुझे याद है ना, गेहूं के बगल में देखिए कितना सारा पानी रखा हुआ है, मतलब मटके में। और ये दादी भर के रखती हैं चिड़िया लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर ना आम का पेड़ है। इस बार तो बिल्कुल भी आम आपको देखने को भी नहीं मिलेगा इस पेड़ में, पर हर बार बहुत सारे आम होते थे। फिर भी कौवे लोग ना इस पर आते हैं बैठते हैं, बहुत सारी चिड़िया वगैरह आती हैं इस बैठती हैं, इसने घोंसले भी बना रखे हैं, तो वो लोग यहाँ आती हैं खाती पीती हैं और यहाँ से पानी पीती हैं। तो ये दिख ही नहीं रहा ठीक से, ये देखो कितना सारा पानी है ये। तो शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है, ठंडक, मतलब अब गर्मी नहीं लग रही, थोड़ा हवा चल रही तो सुकून मिल रहा है। बहुत गर्मी लग रही थी मैं तो, चलो अब मैं दुपट्टे को यहाँ पे ऐसे कर दी थी ताकि मेरा जो दुपट्टा है वो उड़े नहीं, क्योंकि अब मुझे इसी को ओढ़ के नीचे जाना है। और चलो अब मैं पहले भर लूँ जूती को पन्नी में और उसके बाद चलते हैं नीचे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉलीथीन में भर के क्यों ले जा रही हूँ जूती को, क्योंकि मैं छत पे जो हवाई चप्पल होती ना स्लीपर वो पहन के आई थी, और जूती को लेके आई थी क्योंकि सीढ़ियों में खटर पुटर की आवाज़ होती ना, इसीलिए। टाइम देखिए पहले कि 3 बजे गई ये लड़की, अभी 5 बजे वापस नीचे उतर रही छत पे से। और इतना तेज़ से धूप था कि मैं क्या बताऊँ। देखो मैं खरबूजा लेके आई हूँ और इसको अब मैं खाऊँगी बैठ के, क्योंकि ना बहुत ज़ोर से मतलब मुझे कुछ ठंडा चीज़ चाहिए और बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने फ़ैन ऑन रखा है, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा सॉरी उसके लिए, पर अभी फ़ैन नहीं ऑफ कर सकती क्योंकि बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है। तो अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि दाल और चावल बनाऊँ, सिंपल सा दाल और चावल। और अभी मैं यहाँ पे लाइनर मस्कारा सब ऐसे रखी हुई हूँ, ये देखो, क्योंकि अभी मैं लगा के गई थी छत पे। और आज मैं प्लाजो कुर्ती पहनी हूँ, देखती हूँ कितनी देर पहन पाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। और इस कुर्ती में ना पता है क्या है, इस कुर्ती में ये जो चीज़ है ये काफ़ी मोटा है तो गर्मी लगने लगती है। तो वैसे जब तक ब्लॉग है तब तक तो मैं कुर्ती ही पहने रहूँगी और फिर रात में देखूँगी नाइटी वगैरह डाल लूँगी। तो अभी यहाँ पे देवर जी सोए थे इसलिए तकिया को फैला के गए हैं। तो चलो खा लिया जाए खरबूजा, आओ आप लोग भी खा लो। अभी पहले मैं इसको छीलूँ काटूँ और उसके बाद खाऊँगी। और चलो खा के मिलती हूँ आप लोगों को। तो हम सभी को पता है कि गर्मियों के सीज़न में खरबूजा आता है और इसमें 95% पानी होता है, जो कि आपके स्किन को आपके शरीर को अगर पानी की कमी होगी तो ये उसकी पूर्ति करेगा। यह पाचन शक्ति में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, कोई मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन करती हूँ तो आप लोग बोलते हो ना कि आपको फ्री का मिलता है, तो आप बताते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस चीज़ में अगर जो क्वालिटी है वो हमारा बताना फ़र्ज होता है। और आप भी ज़रूर खाइए खरबूजा, क्योंकि इस टाइम पर हमारी शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत चाहिए और खरबूजा बहुत ही अच्छा होता है, वजन घटाने के लिए भी अच्छा होता है। अरे आम का प्रेमी तो शुभम बहुत है बचपन से, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि नहीं बताएंगे ऑन कैमरा नहीं सब जान जाएंगे, शुभम की पोल पता चल जाएगी सबको, है ना शुभम। देखो पति देव क्या लेके आए, आम लेके आए। तो अभी आम की चटनी बनेगी, वो यही बनाएंगे आम की चटनी। मैं आम थोड़ा बहुत काट के खाऊंगी बस, और ज़्यादा नहीं काटने वाली, मैं लेट गई थी तो मैंने इसलिए लेजर हटा दिया है। आई पिंकी दीदी क्या खजाना लेके आ रही हैं आप? अभी सिम खरबूजा खाते सिम काट लेंगे, है ना। देखो पिंकी दीदी बैठी हैं और पिंकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आप लोग देख सकते हो, सर में दर्द हो रहा है।
और मतलब बुखार जुखाम सर्दी नहीं है भाई, सर में दर्द हो रहा है तो कोई लोग अगर अलग मतलब मत निकालने जाना तो अभी मतलब इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मम्मी जी भी नहीं है, मीठे भी नहीं है, तो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे तो ब्लॉग ही बनाने की इच्छा नहीं होती। चलो आम खा लेते हैं, ये देखो आम मैं काट रही थी तो मुझे याद आया, कह रहे मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर रखा है, तो चलो पति देव अभी मुँह हाथ धो के आएंगे तभी कैमरे के सामने आएंगे। पहले खा के देखते हैं, अगर खट्टा रहेगा तो मत खाइएगा, ठीक है? ज़्यादा खट्टा रहेगा तो मत खाइएगा, नुकसान असर नहीं करेगा। ऐसे खाना सुबह में आपको आके बता सकते नहीं होता खट्टा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सब लोग शुभम के बचपन की बात मतलब आज से चार साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब की बात मैं बताने लगी थी। और यहाँ पे मेरा दुपट्टा रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और हाँ कुर्सी पे जो आपको कपड़े दिख रहे होंगे ना वो मैं बाहर से अभी लेके आई थी क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैं कपड़े वगैरह लेके आई थी तो बस मैंने रख दिया था कि फोल्ड करूँगी बाद में। तो अब हम लोग चलो आम वाली पार्टी कर लेते, और किसी किसी कच्चा आम खाना पसंद है बताना हाँ कमेंट बॉक्स में। तो चलो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर देखो मैंने ही ये आम छीले, मैंने बोला कि इनसे कि छीलो चटनी तुम्हें बनाना तो छीलो, तो बोल रहा नहीं तुम छील के दो तो मैं बनाऊंगा। तो चलो मैं दाल डाल देती हूँ, और ये अरहर की दाल है इसको मैं धुलूंगी और उसके बाद इसको डाल दूंगी। मैं बहुत सादा सा दाल बनाती हूँ, नमक और हल्दी डाल के, पता नहीं आप कैसे बनाते होगे पर मैं बिल्कुल सादा बनाती हूँ। उसके बाद छौंका लगाती हूँ लहसुन मिर्च प्याज टमाटर ये सब चीज़ों से, पर सादा दाल बनाती हूँ। पता है मम्मी जी कहती है ना टमाटर डाल के पकाओ ना, टमाटर डाल दो अगर कुकर में तो दाल नहीं पकती, पर मैंने कभी बनाया ही नहीं है, सादा ही दाल बनाती हूँ मैं हमेशा। और मेरे जो ब्लॉग होते हैं ना वो भी बहुत सादे होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, और बस वही जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि दिखावा करना अच्छी बात नहीं होती है, दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं दाल को चढ़ा दी हूँ एक साइड, और मैं थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ और बोल भी फास्ट रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे क्लिप आगे बढ़ती है वैसे वैसे बोलना होता है, तो आप लोग बोलते हो कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, तो जहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज़ होती है वहाँ मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। तो अब मैं कुछ बर्तन थे वो सब साफ़ कर लूँगी, ये शाम के चाय वाले जो बर्तन होते वही हैं, और उसके बाद तब तक मेरी दाल भी पक जाएगी, और उसके बाद फिर मैं चावल डाल दूँगी, दाल चावल चटनी यही आज हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि सुबह मसालेदार सब्जी बनी थी, और जब मसालेदार सब्जी खा लो ना तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और अभी तक रखी है वो मसालेदार सब्जी क्योंकि गर्मी में मन नहीं करता खाने का। तो मैंने तो बर्तन धो लिए, और अब देखो हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, और अब आपको बहुत मजा आने वाली है क्योंकि अब मैं रियल थोड़ी सी वॉइस जो है वो डाल दूंगी, आप लोग भी इंजॉय करना पर निगेटिव वे में मत लेना, हाँ जो भी है सब मजाक चल रहा है। तो देखो आम काट रहे हैं और मिर्ची काट रहे हैं, इसमें लहसुन है हरी मिर्च है और नमक है ना, और पीसने वाले से बन रही रहा है पीसते हुए, पहले इन्होंने पलथी मार के पीसा है, अब ये पता नहीं कौन से तरीके से पीस रहे हैं पर ये पीस रहे हैं। और ये चटनी बनाएंगे, मैं दाल चावल बना रही हूँ और फिर हम लोग दाल चावल चटनी खाएंगे। आज तुम मिर्ची बहुत कम डाले हो, क्या बात है, ताकि मैं खा सकूँ। अच्छा और कभी पीसे हो, और कभी पीसे हो? अरे ये वो नहीं है ना, महीन हो गया है, इसमें जो टकना चाहिए टक नहीं लगा है इसलिए ऐसा हो रहा है। पानी डाल लो ना थोड़ा सा, टमाटर की चटनी हाँ ऐसे ही पहले कुछ लो अब पीसो। तो सिल में सच बताऊं मतलब बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, और मेरे हाथ में जलन होने लगती है क्योंकि मैं कभी सिल में नहीं पीसी, पर मुझे याद है कि मम्मी लोग टमाटर को कूच कूच के चटनी बनाती थी, तो पहले इनको मैंने बोला कि कूचो इसको, मेरा आइडिया था, नहीं तो तुम अभी ऐसे पीसते। अच्छा पीस गया, चटनी तैयार हो गई है, बड़ी मशक्क़त की हो गई। चलो अब दाल चावल भी पकने वाला है, फिर दाल चावल आम की चटनी फ्रेंड्स को भी खिलाएंगे, है ना, कितने मेहनत से बनाए हो भाई, बहुत मेहनत से, पसीना हो गया निकल गया क्योंकि पंखा बंद है ना कि दाल चढ़ी हुई है, इसीलिए दाल की आवाज़ भी जा रही होगी कुकर की। खाने में उतना ही मज़ा आएगा ना जितनी मेहनत की, मुझे चटनी बहुत कम पसंद आती, मुझे ऐसे आम अच्छा लगता है खाने में नमक के साथ।
चलो अब दाल। तो गाइस अभी 9:10 बाकी है और मेरा सारा काम देखो, दाल भी मैंने पका ली है और चटनी भी बन गई है आम की और चावल मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि खाना बनाते बनाते प्यास लग जाती है क्योंकि फ़ैन ऑफ रहता है ना तो गर्मी लगने लगती है। और यहाँ पे देखो पतिदेव जी लेटे हुए हैं, अभी कहीं से घूम टहल के आएँ तो इनकी शर्ट भी पीछे आपको दिख रही होगी तो ये भी उतार के यहाँ पर टांग दिए हैं और टी शर्ट पहन के फिर से लेट गए हैं और अभी फ़ोन चला रहे हैं। क्या कर रहे हो? और गेम कौन सा खेल रहे? बच्चे वाला गेम खेल रहे हैं, कैंडी क्रश ना, देख रहे हो कैंडी क्रश गेम खेल रहे हैं ये। और अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं ये सब लगाई हूँ ना, ये और तो कुछ मैं लगाई नहीं हूँ खास, तो मैं इन दोनों को हटा दूँ और फेस को वॉश कर लूँ, उसके बाद खाना खाऊँ। और पीछे कुकर की आवाज़ जा रही होगी सू सू टाइप से। तो चलो ठीक है, अब हम लोग खाना खाने हैं। आम की चटनी बना के मज़ा आई? चलो खा के देखते हैं कि कितनी मज़ा आती है खाने में, है ना? तो चलो अब हम लोग खाएंगे आम की चटनी, दाल चावल। रोटी नहीं बनाया मैंने, सिर्फ दाल चावल आम की चटनी बनाया क्योंकि इनको नहीं खाना था और किसी को भी नहीं खाना था, सबको हल्का खाना खाना था। सुबह मसालेदार सब्जी खा लो ना एक बार तो फिर मन भी नहीं करता है। तो चलो अब इनका कैंडी क्रश देखते हैं और जब तक चावल भी पक जाएगा फिर खाएंगे और आपको मिलेंगे कमरे में। ये सुनो ना, मेरे बाल में तेल लगा देना यार। तुम उस दिन बोले थे ना लगा दूंगा? नहीं भूलो मत, याद रखो तुम उस दिन बोले थे जब बाहर टहल रहे थे कि अच्छा आज नहीं लगाऊंगा, नींद आ रही कल लगा दूंगा। अभी मेरे को नींद आ रही बहुत। नहीं तो अब भी झूठ बोल, तुरंत नींद आने लगती तुमको। नहीं तुमको लगाना है तेल, आज लगा देना। तो कल शनिवार है, कल रखे रहूंगी, संडे को बाल धो लूंगी ना, कहीं घूमने तो जाना नहीं है मेरे को, तो आज लगाना तुम बाल में तेल। देख रहे हो जब भी तेल लगाने की बारी आती है तो बहुत नखरा दिखाते हैं, पर लगाते बहुत अच्छे से, एकदम मन से लगाते, पहले तो तैयार नहीं होते उसके बाद फिर लगाते बहुत अच्छे से। तो अभी तो इनको मैं रेडी कर ही लूँगी। तो चलो खाना खा लेते हैं और कमरे में चलते हैं, फिर मिलते हैं। हालांकि दमकल कर्मियों ने वहाँ 10:10 बाकी है और यहाँ पे टीवी चल रही है और आजकल तो रोज़ डेली सिर्फ टीवी देख के सिर्फ रोने की इच्छा होती है, मतलब रोज़ मुझे रोना आता है। मैं ज़्यादा देख लेती हूँ ना तो फिर मुझे ना ब्लॉगिंग की इच्छा होती है और मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता यार कि मैं क्या करूँ। मन लगता है कि यार दुनिया इतनी परेशान है कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या खाने बनाऊँ, क्या खाऊँ, यहाँ इंसान भूखा मर रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कुछ सोचती हूँ मैं। और मेरी मीठी इतनी दूर है मुझसे, वो भी सोच सोच के मुझे बहुत मतलब अंदर से दुख होता है, बस लगता है मैं रोती रहूँ दिन भर बैठ के। तो पति देव जी भी मेरे जो है वो सो चुके हैं, ये देखो। तो ये भी, और मैंने इनके ऊपर दुपट्टा रख दिया। नहीं बनाते बनाते कुछ ज़्यादा ही थक गए थे तो ये सो गए हैं और सोते हुए इंसान को नहीं दिखाते इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये देखो इधर सोए हुए हैं और तेल बाल में लगाते लगाते सो गए और फ़ैन चल रहा है तो आप लोगों को फ़ैन की भी आवाज़ जा रही होगी। तो चलो ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर दूँ। और इनकी आदत है ये टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं। अभी मैंने म्यूट किया है, मैं आई हूँ, फेस वॉश कर लिया है, ये देखो मेरा एकदम फेस क्लीन हो गया है और फेस पर कुछ लगा लूँगी या तो नारियल का तेल लगा लूँगी क्योंकि ना मेरे जो फ़ैन चलता है ना बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होती है स्किन, तो मैं नारियल का तेल लगा के सोऊंगी, कोई नाइट क्रीम नहीं लगाऊंगी। मेरा नारियल का तेल वो रखा वो ऑरिगेंस वाला तो उसी को लगाऊंगी। तो चलो ठीक है, हो सका तो हेयर ऑयल बालों में भी तेल लगा लूंगी अगर मेरा मन हुआ तो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे चैनल पर। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।